हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो MySQL को लेकर के है। MySQL के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वर्कबेंच की, ठीक है। वर्कबेंच पर जितना काम करना आसान है उससे कहीं ज्यादा कठिन है कमांड लाइन पे काम करना, ठीक है। तो वर्कबेंच बहुत ही ज्यादा हमें ईज कर देता है इन कंपेरिजन टू कमांड लाइन। तो चलिए ये देखते हैं और ये पूरी लंबी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देख लेने के बाद आपका लगभग कमांड क्लियर हो जाएगा, जितने कमांड होते हैं, क्या क्या यूजर्स हैं, कैसे कैसे यूज करेंगे, प्रैक्टिकल से लेकर रिटन तक जो भी कमांड्स हैं, सिंटेक्स क्या होगा, सारी चीजें एकदम 100% क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पे आए और यहां पर मैं MySQL ओपन करूंगा। तो देखिए MySQL का कमांड लाइन इस बार नहीं ओपन करना, इस बार वर्कबेंच ओपन करना। तो देखिए वर्कबेंच ओपन हो गया। अब यहां पर लोकल होस्ट है हमारा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नजर तो आ नहीं रहा है, तो यहां पर हमको एक यहां पे सैलरी का बनाना है, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं सैलरी डी, ठीक है। क्या 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 सैलरी डी नाम से हमें डेटाबेस बनाना है, तो क्या ऐसे लिख देने से डेटाबेस बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर देंगे, क्या लिखेंगे, क्रिएट, क्रिएट लिखेंगे और यहां लिखेंगे डाटाबेस, क्या लिखेंगे, क्रिएट डाटाबेस, इस तरीके से लिखेंगे और यहां पर देंगे टर्मिनेशन, तो ये डेटाबेस तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस लिख करके इस तरीके से देंगे तो ये डेटाबेस बन जाएगा हमारा। तो देख सकते हैं ये डेटाबेस बन भी गया, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे देखिए ग्रीन आ गया है और वन रो अफेक्टेड हो गया है, तो यानी डेटाबेस तो हमारा बन गया। लेकिन अब इस डेटाबेस को यूज भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज, ठीक है, और एस ए एल ए आर वाई सैलरी। अब ये यूज लिखा तो यूज एक तरह का आपका कमांड का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया और सैलरी डी नाम से है तो यहाँ पे सैलरी डी को यूज करेंगे, तो सैलरी डी लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से चलाएंगे तो देखिए अभी हम आ चुके हैं सैलरी डी वाले डेटाबेस में। एक डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, MySQL एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेटाबेस है और काफी ज्यादा यूज होता है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पर अगर आप BCA कर रहे हैं या क्लास 12 से बिलोंग करते हैं या बीटेक भी कर रहे हैं सीएस से, तो उसमें भी MySQL से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये MySQL एक और जो है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ये जो है अपने पास रख सकता है, क्योंकि ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और एक RDBMS है। RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हो चुका है ये काम, अब हम इस डेटाबेस को यूज भी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, तो क्रिएट टेबल लिखेंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं क्या, टेबल, ठीक है। तो ये क्रिएट टेबल यहाँ पे आ गया। अब टेबल का नाम क्या देना है, टेबल का नाम मैं देता हूं सैलरी टी, ठीक है, सैलरी टी दे दिया। अब यहां से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर एक एक चीजें इंसर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉई, एम्प्लॉई और अंडरस्कोर करके लिख देते हैं आईडी, तो यहाँ एम्प्लॉई की आईडी आएगी। लेकिन रुकिए, एम्प्लॉई आईडी का डेटा टाइप तो मेंशन ही नहीं किया, तो यहां पर मैं इसे कर देता हूँ लाइक कैर, कैर सी एच ए आर, कैर और वायर कैर में डिफरेंस बताया था मैंने क्या होता है, ठीक है ना, याद है ना। तो ये हो गया। तो कैर जो है रिलीज नहीं करता है, जो भी मेमोरी होती है अगर वो बच जाती है मेमोरी तो वो रिलीज नहीं करता है कैर, जबकि वायर कैर जो है इसे रिलीज कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो है नेम ऑफ एम्प्लॉई है, तो यहाँ पे लिखता हूँ नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉई, तो ये लिख दिया नेम ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वायर कैर लिखेंगे और वायर कैर लिखने के बाद यहाँ पे साइज दे देते हैं 20, ठीक है। तो ये साइज 20 दे दिया है इस बार हमने और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इनकी सैलरी क्या बनती है हर महीने, वो सैलरी यहाँ पे देंगे। तो सैलरी को कौन सा डेटा टाइप हम रखेंगे, सैलरी को मैं रख देता हूँ इंट डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ इंट रख दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। और भी कोई चीज देनी है, अगर मान लीजिए नहीं देनी हो तो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं और बंद करके क्या करेंगे, यहाँ से टर्मिनेशन देंगे और तब इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां से चलेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन रुकिए, एक काम और करना है, यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी कैर दिया है हमने, कैर दे दिया है इस तरीके से और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट नल, ठीक है, इसे नल यानी खाली नहीं छोड़ सकते और इसे मैं बना देता हूँ प्राइमरी की, यानी कि ये यूनिक रहेगा, ठीक है ना, प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करना है और अब यहाँ से रन करना है, तो देखते हैं चलता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये रन हो चुका है और इसके लिए दो, अब देखिए ये देखना है कि इसमें कौन कौन से फील्ड आए, कौन कौन से डेटा टाइप रहे, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा और एंटर करके नीचे आएंगे। देखिए MySQL वर्कबेंच इतना आसान है ना कि कमांड लाइन आप जिंदगी में कभी यूज नहीं करना चाहेंगे अगर 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 आपने MySQL वर्कबेंच यूज कर लिया तो। लेकिन MySQL वर्कबेंच पे काम कराने का एक खास मोटो ये होता है कि आप गलतियां कम करो। MySQL वर्कबेंच पर अगर आप काम करोगे ना
तो इसमें शुरुआत से ही काम करना स्टार्ट करोगे तो इसमें गलतियां बहुत करोगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट का बड़ा सिस्टम होता है, सारी चीजें बहुत यूजर फ्रेंडली मैनर में आपको मिल जाती हैं, लेकिन वहां पर अगर काम करना सीख गए सीएमडी पर, कमांड लाइन आर्गुमेंट पर, तो वहां पर जो काम कर लेगा वो बड़े आसानी से MySQL वर्कबेस पे काम कर लेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब ये तो हो गया काम, इतना हमने कर लिया। अब करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब एक कमांड आता है, देखिए डीईएससी वहां पे सिखाया था, डिस्क्राइब भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा और यहाँ पे क्या है, सैलरी टी है, एस ए एल ए आर वाई सैलरी टी, ठीक है। और यहाँ टर्मिनेट करेंगे और टर्मिनेट करके इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको डिस्क्राइब कर देगा पूरा, ठीक है। देखिए बता रहा है कि एम्प्लॉई आईडी क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, कितना साइज है और ये प्राइमरी की है कि नहीं है, देख रहे हैं। तो ये पूरा डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन रुकिए, इसके अलावा एक डीईएससी हम लोग चलाते हैं, ये भी डिस्क्राइब कर देगा इसको। तो देखिए सैलरी टी, ठीक है, और ये भी डिस्क्राइब करेगा, तो दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है ना, और दोनों एक ही है। अब यहां पर एंटर करके नीचे आते हैं, अब इसमें वैल्यूज डालनी है हमको, तो यहां पे क्या लगाएंगे, इंसर्ट इनटू। अब देखिएगा कमाल यहीं पे आपको दिखेगा इसका, ठीक है। MySQL वर्कबेंच कितना यूजर फ्रेंडली है वो आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला फील्ड क्या है, सबसे पहला फील्ड है एम्प्लॉई आईडी, तो यहां पे लिख दीजिए एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉई आईडी, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद नेम एन एम ई नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉई, ठीक है, ई एम पी एल वाई डबल ई, तो नेम ऑफ एम्प्लॉई हो जाएगा और नेम ऑफ एम्प्लॉई के बाद फिर कॉमा लगाइएगा क्योंकि डेटा टाइप तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिसाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे सैलरी हो जाएगा, तो सैलरी हो गया। अब इसको बंद करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको डालनी है वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पर कमाल, जैसे मान लीजिए नेम ऑफ एम्प्लॉई जो है इसमें हमने रख दिया ई एम जीरो वन, ये रख दिया। अच्छा, ई एम जीरो वन जब भी रहेगा तो सिंगल डॉटेड कॉमा या डॉटेड कॉमा में रहेगा। यहाँ पे मैं डॉटेड कॉमा ओपन करता हूँ और यहाँ पे डॉटेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर नेम भी डॉटेड कॉमा में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम लिख दिया हमने राकेश, फिर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर सैलरी है, तो सैलरी यहाँ पे मान लीजिए राकेश की है 15,000। तो देखिए जब भी आप नंबर लिखेंगे ना तो नंबर या इंटीजर को कभी भी डॉटेड कॉमा या सिंगल डॉटेड कॉमा में नहीं लिखना है। अब यहाँ पे टर्मिनेशन, ये हो गया काम। तो अब ये काम हो गया है, अब इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए इंसर्ट से लेके लास्ट तक और फिर यहाँ से रन करवा दीजिए। तो जब रन करवाएंगे तो ये रो अफेक्टेड हो गया, यानी इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ से जब आप सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सेलेक्ट एस्टेट फ्रॉम, इस तरीके से ये हो गया, टेबल का नाम क्या है सैलरी टी। तो सैलरी टी जब यहाँ पे आप देंगे सैलरी टी, तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये देखिए इसको सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, ये गए, तो आप देखिए यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जाते, देखिए अब आपको दूसरा यहाँ पे इंसर्ट करने की जरूरत है, यहाँ पे खाली ई एम जीरो टू कर दिया, यहाँ पे नेम चेंज कर दीजिए जिनका भी नाम आप देना चाहते हो, ठीक है, जैसे राकेश के बजाय यहाँ रितेश कर देते हैं, ठीक है। तो ये नेम चेंज कर दिया हमने, रितेश आर ई टी आई टी ई एस एच हो गया, तो ये हो गया रितेश, ठीक है। और रितेश की सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे मान लीजिए 16,000 इनकी सैलरी है, ये कर दिया हमने। अब देखिए, अब ये हम यहाँ से इसको रन करवा देंगे, ये रन करवा दिया, अब रन करवाया तो ये भी रन हो गया। अब यहाँ पर फिर वापिस से सेलेक्ट करते हैं तो काम होता चलेगा आपका। तो देखिए दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए ना। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर चेंज करिए, आसानी से यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल है, आसानी से हो भी जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगला नाम लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने आर डबल ई एम ए रीमा, ठीक है, इनकी सैलरी 16,000 है, ठीक है मान लीजिए। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और इसको चलाएंगे, तो देखिए ये तो हो गया काम हमारा। और फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि रीमा का भी इसमें सैलरी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वही चीज कि यहाँ से आप चेंज कीजिए और ये होता चलेगा सारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आए और यहाँ पर आप कर देते हैं सीमा, ठीक है, एस डबल ई एम ए, और इनकी सैलरी यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इनकी सैलरी है 17,000, तो ये हमने कर दिया। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रन करवाइए और रन करवाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो काम हो गया आपका। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सीमा भी इसमें इंसर्ट हो गया। तो एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना MySQL वर्कबेंच पे ज्यादा आसान है कि MySQL कमांड लाइन पर ज्यादा आसान है, आप देख सकते हैं कि कौन ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कौन इसमें से ज्यादा आसान है और किसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसी में ज्यादा आसान है, ठीक है। वैसे आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि किसमें ज्यादा आसान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक कॉलम और ऐड करना है हमें, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अल्टर, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है तो सैलरी टी
ठीक है, ये टेबल का नाम हो गया सैलरी टी, और यहां पर आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पे लिखेंगे एड COLUMN कॉलम, कॉलम लिखेंगे COLUMN, और कॉलम का नेम क्या है, तो कॉलम का नेम हमारा है यहां पर, जैसे मान लीजिए जो ऐड करना है वो है मान लीजिए PF इन परसेंट, ठीक है, ये कॉलम का नेम है, ठीक है ना, तो ये कॉलम का नेम दे दिया, और यहां पर क्या देंगे, फ्लोट वैल्यू देंगे, फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट दे दिया, फ्लोट एक डेटा टाइप है, वैल्यू नहीं सॉरी डेटा टाइप है ये, तो यहां पे आप टर्मिनेट किया, आप टर्मिनेट करने के बाद इसको पूरे को सेलेक्ट करना है अल्टर से लेके फ्लोट तक, और यहां से रन कर देना है, तो रन करते ही देखिए ये रन हो गया, और जैसे ही रन करेंगे तो यहां पर एक और कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा, अभी देखिए सेलेक्ट को यहां से चलाएंगे हम, देखिए यहां पर पीएफ इन परसेंटेज भी ऐड हो चुका है, तो देखिए कितना आसान है इसमें काम करना, ठीक है, एक बार आप इसको यूज करना शुरू करेंगे तो कमांड लाइन डॉक्यूमेंट पे तो कभी जाना ही नहीं चाहेंगे आप, लेकिन समस्या यही है कि कमांड लाइन पे काम कर लिया तो इसमें तो काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, और एक्सेस में भी मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी होती है डेटाबेस की कि वो ऑटोमेटिक चीजों को सेव करता रहता है, ठीक है ना, तो यहां पर भी सेव हो रही है सारी चीजें, ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए आपको और भी चीजें करनी है, जैसे मान लीजिए कि और भी चीजें ऐड करनी है, ठीक है, तो यहां पर आपने अभी क्या ऐड किया, पीएफ इन परसेंटेज ऐड किया ना परसेंट, अब यहां पर एक और कॉलम ऐड करते हैं, तो कौन सा कॉलम होगा भैया, तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं हाउस रेंट अलाउमेंट, तो एचआरए यहां पे ऐड कर दिया, और ये भी फ्लोट में रखा है, आप चाहे तो इंटीजर भी कर सकते हैं, और फिर इसको यहां से चलाएंगे तो देखिए पीएफ के साथ साथ एचआरए भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको चलाया यहां से, इसको रन कराया, ठीक है, और रन कराने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहां से, देखिए एचआरए भी इसमें ऐड होता हुआ दिखाई देगा, तो देखिए एचआरए भी ऐड हो गया, ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पे एचआरए को हटा देते हैं और यहां से टीए कर देते हैं, टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस, तो टीए कर दिया, तो अब टीए, अब देखिए इसको रन करवाता हूं यहां से सेलेक्ट करके, ये रन करवा दिया तो ये सक्सेसफुली रन हो गया, अब रन होने के बाद क्या करना है, रन होने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, यानी सेलेक्ट कमांड यूज करना है, और देखिए यहां पे टीए भी आ गया, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये सैलरी है, और अभी हम इसमें पीएफ माइनस करेंगे, एचआरए जोड़ेंगे और टीए भी जोड़ेंगे और पीएफ माइनस करेंगे सैलरी में से, तो टोटल सैलरी बनेगी, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो अभी हम बाद में करेंगे, अभी तो हमने दो इसमें जोड़ दिए, एक एचआरए दूसरा टीए, ठीक है, और तीसरा पीएफ, तो इसमें अब हमको क्या करना है, अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो बेटा इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना कितना आसान है, देखिए अब बार बार इंसर्ट इनटू कमांड आप तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि इंसर्ट इनटू तो चलाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रिकॉर्ड इंसर्टेड है, तो यहाँ पे अपडेट कमांड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड, तो यहाँ पे कैसे चलाएंगे अपडेट, तो अपडेट के लिए क्या करना है, यहाँ सीधे लिखिएगा अपडेट, इस तरीके से लिखिएगा अपडेट, और टेबल का नाम लिखिएगा कौन से टेबल को आप अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे केस में क्या है सैलरी टी है, तो SALARY सैलरी, और फिर यहाँ पे टी दे देंगे, तो ये हो गया सैलरी टी, सैलरी टी को ही अपडेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, तो कॉलम नेम सेट करेंगे, जो भी कॉलम नेम है उसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कॉलम का नेम है, हम पीएफ इन परसेंटेज को ही ले लेते हैं, तो पीएफ अंडरस्कोर इन, ठीक है, और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर परसेंट, PERCENT, ठीक है, तो पीएफ इन परसेंट को ले लिया, और पीएफ इन परसेंट में क्या सेट करेंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू यहां पे कर देते हैं 15% कर दिया, या केवल 15 भी आप लिख सकते हैं, तो ये 15% मैंने लिख दिया, ठीक है, देख सकते हैं 15% हो गया, ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से, अब डॉटेड कॉमा को क्लोज करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर आपको कोई भी डॉटेड कॉमा नहीं देना, ये 15 दे दिया हमने, 15 दे दिया ना, ये हो गया, अब यहां पर फिर कॉमा देंगे, फिर कोई दूसरा भी कॉलम है क्या, तो कॉलम है एचआरए, तो यहां पे लिखेंगे एचआरए इस तरीके से, और एचआरए कितना सेट करेंगे 5%, ठीक है, तो ये 5 ही लिख देता हूं मैं केवल, ठीक है, तो ये 5 लिख दिया, अब अगर कोई अदर भी कॉलम है तो वो भी यहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए अब है टीए, तो यहां पे लिखा टीए इज इक्वल टू, अब टीए कर देते हैं यहां पे 5%, टीए भी 5% रख देते हैं, तो ये 5% रख दिया, अब रखने के बाद क्या करेंगे, अब यहां पे देंगे वेयर, ठीक है, क्या देंगे वेयर, WHERE वेयर, ये लिखा वेयर, और यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर एम्प्लॉय आईडी क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए राकेश की एम्प्लॉय आईडी है, किसका हम यहां पे अपडेट कर रहे हैं, वो चीज यहां पर आएगी, ठीक है, वेयर
एम्प्लॉई आईडी EMPLOYEE_ID इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं EM01, ये एम्प्लॉई आईडी को हम यहां पे दे देते हैं, ठीक है EM01 ये दे दिया। और ये देने के बाद क्या करना है, टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करके क्या करना है, यहां से सेलेक्ट करना है और इस पूरे को चलाना है। यहां से चलाया तो आप देखेंगे कि ये अपडेट हो गया है, चल गया है ये, ठीक है। और फिर वापस से वही काम कि यहां पर आकर के हम इसको सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कुछ अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये चलाया हमने, तो आप देख सकते हैं यहां पे पीएफ एचआरए और टीए भी अपडेट हो गया, अपडेट हो गया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर दूसरे में अपडेट करना है, तो दूसरे में अपडेट करना है तो यहां टू कर देंगे, टू वाले एम्प्लॉय का अपडेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। देखिए कैसे ये हो गया, इतना ही अपडेट करते हैं 5%, चाहे यहां पे चेंज कर देते हैं, टीए चेंज कर देते हैं, टीए 3% कर देते हैं, तो ये 3 कर दिया हमने। तो यहां पे अब इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको चला देंगे, ठीक है। यहां से चलाइए, देखिए ये चल गया। अब चल गया तो अब चेक करेंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां से चलाएंगे तो देखिए दूसरे में भी अपडेट हो गया, हो गया कि नहीं। इसी तरीके से तीसरे में अपडेट करेंगे, ठीक है, तीसरे में भी अपडेट कर देते हैं। तो यहां से अब तीसरे में अपडेट करेंगे तो यहां पे 03 कर देते हैं, 03, ठीक है। यहां पे क्या किया, 03 कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब यहां से इसको चलाएंगे इस तरीके से और सेम ही रखते हैं, ठीक है। तो ये रख दिया, अब ये चल गया, ठीक है। यहां पर कुछ गलती हो गई, एक मिनट, ये देखिए यहां पर ये अपडेट वाला सेलेक्ट नहीं किया था, चलिए अब हो जाएगा। तो ये हो गया, ये अपडेट हो गया, और यहां से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके और यहां से इसको चला देंगे, काम हो गया आपका। तो देखिए तीसरे में भी अपडेट हो गया, सेम चीज तीसरे में अपडेट हो गई, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे पर पीएफ कटा इनका 10% कटा, मान लीजिए 10% कटा और बाकी सारी चीजें वैसे ही रखते हैं। यहां पर इतना किया हमने और यहां से इसको फिर रन करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमको एम्प्लॉई आईडी चेंज करनी होगी, ठीक है। एम्प्लॉई आईडी 4 कर देते हैं यहां पे खाली, ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। यहां से इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से रन करवा दीजिए, तो रन करवाया तो ये रन भी हो गया, और रन होने पे क्या रिजल्ट आया वो यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे जाएंगे और इसको चलाएंगे तो देखिए सब में अपडेट हो गया, सारी चीजें सब में अपडेट हो चुकी हैं, देख सकते हैं ना। अब देखिए हम ये चाहते हैं ना कि ये जो अपडेट तो हुआ, ठीक है, अब एक एक करके डिलीट भी करना, हटाना है इनको, ठीक है। जैसे अपडेट होता गया तो हमें अब हटाना है इनको, हटाएंगे कैसे, तो यहां लिखेंगे ड्रॉप, ठीक है। और ड्रॉप लिख के क्या, अब पहले अल्टर लिखेंगे, अल्टर यहां पे क्या लिखेंगे, अल्टर ALTER अल्टर लिखा, और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है सैलरी टी ही है। यहां पे देखिए ये सैलरी टी है हमारे टेबल का नाम, तो सैलरी टी दे दिया, अल्टर सैलरी टी, और एंटर करके नीचे आते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, ड्रॉप DROP ड्रॉप, किसको ड्रॉप कराना है बेटा, देखिए इसमें हमको ड्रॉप कराना है सीधा, ये देखिए सबसे पहले तो हम पीएफ इन परसेंट जो लिखा हुआ है इसी को ड्रॉप करा देते हैं। तो यहां पे लिखा पीएफ अंडरस्कोर इन और फिर यहां पे अंडरस्कोर परसेंट, ठीक है, PERCENT, तो पीएफ इन परसेंट को हमको ड्रॉप कराना है और यहां से टर्मिनेशन दे देंगे। तो यहां पे अल्टर सैलरी टी लिखा, लेकिन यहां पे टेबल भी देना होगा, तो अल्टर टेबल सैलरी टी दे दिया, ठीक है। करेंगे और इसको चलाएंगे तो ये क्वेरी रन होगी, और यहां पे देखिए ये यहां पर जो है हमने ये दे दिया है। और अब देखिए मैं इसको दोबारा चलाता हूं, एक बार तो चला दिया है तो यहां पे ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं यहां पे ड्रॉप हो गया है, ठीक है, वो तो ड्रॉप हो गया पीएफ इन परसेंट, ठीक है। अब मान लीजिए हमको एचआरए को ड्रॉप कराना हो तो क्या करेंगे, तो सेम वही तरीका, अल्टर लिखेंगे, अल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम, अगर मान लीजिए टेबल को ही कराना हो तो यहाँ टेबल का नाम देकर के टर्मिनेट कर देंगे तो टेबल ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन हमें टेबल को तो कराना नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये एचआरए जो है हटा है कि नहीं हटा है, तो यहाँ से चलाएंगे तो देखिए इसमें अब एचआरए नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी एकदम सक्सेसफुली हमारा सब कुछ एक्सिक्यूट हो गया। अब टीए बचा हुआ है तो टीए को भी हटा देते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहीं पे खाली टीए कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बार बार करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टीए कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से चला दीजिए, तो टीए भी हट गया, देखिए कैसे हट गया। यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, ये आए और यहां से इसको रन करवा दिया, तो रन करवाने के बाद अब टीए भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हमको ऐड करना है इसमें, तो ऐड करना है तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ठीक है, ऐड लिखेंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं ऐड, यहाँ पे ऐड लिखा, ठीक है। उससे भी पहले अल्टर लिखेंगे, ALTER अल्टर टेबल, और टेबल का नाम देंगे, टेबल का नाम क्या है सैलरी टी, तो यहाँ पे सैलरी टी दे दिया और एंटर करेंगे, और यहां पर अब लिखेंगे ऐड कॉलम COLUMN, ठीक है ना, COLUMN COLUMN, ठीक है। तो ऐड कॉलम कर दिया और यहां पर क्या देंगे, कॉलम का नेम देंगे, तो कॉलम का नेम हमारे क्या है, कॉलम का नेम है जैसे मान लीजिए हमने दे दिया है पीएफ इन परसेंट, यही था ना, इसी को तो हटाया है, तो पीएफ इन फिर लगाता हूं इसको परसेंट PERCENT, ठीक है, तो पीएफ इन परसेंट दे दिया। लेकिन रुकिए, अभी इसमें डेटा टाइप हमने मेंशन नहीं किया है,
तो डेटा टाइप भी तो देना जरूरी है। तो डेटा टाइप यहां पर हम रखेंगे डबल, डबल एक डेटा टाइप होता है डी ओ यू बी एल। तो देखिए इसमें डबल आ भी रहा है, नीचे यहां पे शो भी कर रहा है, तो आपको डबल डेटा टाइप यहां पे इसे बनाना है, ठीक है ना। और यहां से टर्मिनेशन देना है और अब इसको चलाना है। तो यहां से इसको हम क्वेरी को रन कराते हैं, तो ये रन करा दिया क्वेरी को, तो देखिए क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। अब रन होने के बाद रिजल्ट क्या आया वो यहां से पता चल जाएगा जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सेलेक्ट भी तो बार बार नहीं लिख रहा, सिर्फ एक बार लिख दिया, इसी से काम चल रहा है हमारा। तो ये देखिए यहां पर पीएफ इन परसेंट ऐड हो चुका है, देख सकते हैं कि नहीं, यहां पे ऐड हो चुका है पीएफ इन परसेंट, ठीक है ना। अब हमको पीएफ इन परसेंट में अपडेट करना है चीजों को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहीं से अपडेट करूंगा। ये पहले से पीएफ इन परसेंट लिया हुआ था, यहां पे 10 दे देना है आपको, ये 10 देखिए दे दिया है। अब इसको क्या करना है, यहां से सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके अब इसको चलाना है, ठीक है। तो यहां से पकड़िए और यहां तक आइए और यहां पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टेबल जो है यहां पर सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया और इसमें ऐड भी हो गया है। अभी कैसे पता चला ऐड हो गया कि नहीं, तो यहां से इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके यहां से चला दीजिए। तो देखिए यहां पर 10% यहां पर 10 जो है ऐड भी कर दिया गया है और एम्प्लॉई आईडी EM04 था तो वही ऐड हुआ है, ठीक है। अब यहां पर खाली आपको क्या करना है, एम्प्लॉई आईडी चेंज करनी है, ठीक है। सबमिट 10% करना है या 15% कहीं करना है, ये आपकी मर्जी है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर 10% कर देता हूं, अगले वाले में सॉरी 10 का बजाय 15 कर देता हूं, तो यहां 15 कर दिया। अब क्या करना है, अब इसको सेलेक्ट करना है और इसको रन करवाना है यहां से क्वेरी को। तो रन करवा दिया क्वेरी को, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि पीएफ इन परसेंट यहां 15% किया है हमने, ठीक है ना। ये रन हो गया, रन होने के बाद क्या करेंगे, यहां पर अब सेलेक्ट करेंगे फिर वापिस से, ये देखिए ये हुआ, यहां से सेलेक्ट करिए, काम हो गया। देखिए यहां पे 10 यहां पे 15 आ चुका है, तो दोनों हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इस सब में कर लिया जाए तो EM03 वाले में भी कर लिया जाए। तो यहां पे खाली एम्प्लॉई आईडी आपको चेंज करना है, EM03 कर दीजिए और यहां पे 03 करने के बाद क्या करना है आपको, यहां पे 10 कर देना है, 10, ठीक है, इसमें भी 10 दे देते हैं। तो ये काम हो गया है। अब क्या करना है, खाली इसको सेलेक्ट करके और यहां से इसको रन कर देना है। तो रन हो गया क्वेरी हमारा। अब क्या करना है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि 10 इसमें ऐड हुआ है कि नहीं। तो देखिए ऐड हो गया है कि नहीं, यहां पर भी ऐड हो गया है। अब दो बचा है केवल, उन दोनों में भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे, EM03 है तो अब हम क्या करते हैं EM02 कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहां पर इसमें हम 10 ही परसेंट रहने देते हैं और यहां से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको बस चला देंगे यहां से, ये चला दिया तो काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से सेलेक्ट करके देखेंगे, ठीक है ना, ये देख लेते हैं तो सब में ऐड हो गया, 10% हो गया, कहीं 15% कहीं 10% हमने पीएफ पूरा ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज भी ऐड करा सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो ये पूरा एसक्यूएल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें पता चल जाए, ठीक है ना। तो क्वेरी के थ्रू ये सब बता दिया मैंने, ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि पीएफ कितना हुआ, 15% के हिसाब से 15,000 का कितना हुआ, तो ये सब कैसे होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां सेलेक्ट लिखेंगे इस तरीके से और क्या क्या सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास है एम्प्लॉई आईडी, देखिए यहां पर लिखा एम्प्लॉई _ID, तो जैसे दे रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। फिर कॉमा लगाइएगा, फिर है नेम ऑफ एम्प्लॉई, तो यहां पर लिखेगा name_of_employee, यहां पे इस तरीके से दे दिया, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या है सैलरी है, SALARY सैलरी हो गया, और फिर कॉमा लगाएंगे पीएफ इन परसेंटेज है, तो पीएफ _in_% ठीक है, ये देना है, तो PERCENT, ठीक है, तो पीएफ इन परसेंट दे दिया। अब ये कॉमा लगा करके अब हमको यहां पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर पीएफ इन सैलरी को, यहां देखिए SALARY सैलरी है, ठीक है, तो सैलरी को यहां पे लिखा हमने इस तरीके से लिखेंगे, ये देखिएगा चार बकेट है उसे मैंने हटा दिया। अब इसको क्या करना है, यहां से चलाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे और यहां से इसे रन करवा देंगे। तो रन करवाएं, तो यहां से रन करवा रहा हूं मैं, देखिएगा तो ये रन हो गया। और रन होने के बाद देखिए यहां पर पीएफ अमाउंट भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, देखिए यहां पर पीएफ अमाउंट भी कैलकुलेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, देख रहे हैं यहां पे पीएफ अमाउंट भी कैलकुलेट हो गया। अब अगर टीए आता है आगे टीए अगर आता है तो टीए भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये तो क्वेरी हमने सारा लगा दिया, अब यहां पर अगर टीए एक फील्ड ऐड करना है तो हमें क्या करना है, यहां पर खाली चेंज करना है, ये पीएफ इन परसेंट तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं, ऐड कॉलम यहां पर कर देते हैं टीए कर देते हैं, और इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, डबल ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ये डबल रख दिया है और अब इसको चलाने की बारी है, ठीक है।
तो यहां से क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहां से इसे रन करवा देंगे। तो ये रन करवा दिया, रन करवाने पे देख सकते हैं ये चल भी गया हमारा। और चलने के बाद अब हमको सेलेक्ट करना होगा, तो यहां पे देखिए सेलेक्ट हमने लिखा हुआ है और यहां से इसे रन करवाएंगे। तो रन करवाएंगे, देखिए टीए भी यहां पे ऐड हो गया है। अब हमको ये देखना है कि टीए वाले फील्ड में एक एक करके अपडेट करना है, ठीक है। तो यहां पे पीएफ इन परसेंट जो लिखा था इसको हटा देता हूं, यहां पे पीएफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये यहां पे पीएफ कर दिया, पीएफ अमाउंट है ना, तो पीएफ अमाउंट कर देंगे जो भी, सॉरी टीए है तो टीए यहां पे कर देंगे, टीए सॉरी। तो ये हो गया टीए, ठीक है। अब टीए कितना कितना परसेंट मिला है वो यहां पे आपको दे देना है, टीए अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर परसेंट, ठीक है, पीईआर सीईएन टी, ये दे दिया पीएफ इन परसेंट, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करना है, अब यहां पर हमको इसको चलाना है, ठीक है। तो यहां से पकड़िए और इतना जो है चला दीजिए, ठीक है। तो जहां जहां टीए आएगा, अब क्योंकि हमने टीए के नाम से ऐड किया है, यहां पे देखिए ये टीए है, ठीक है ना, तो हम यहां पे टीए ही रखेंगे, टीए इन परसेंट नहीं रखेंगे, सिर्फ टीए रख लेते हैं, ठीक है, ये परसेंट में ही है, ठीक है। तो यहां पे टीए कर देते हैं, सिर्फ टीए रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ टीए रखिएगा। और अब इसको चलाने की बारी है, तो यहां से इसको चलाते हैं, देखते हैं ये क्या काम करता है। तो ये देखिए ये काम हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि इसमें एक में जो है टीए आ चुका है, ठीक है। यहां पे देखिए फाइव आ चुका है ना, देखिए यहां पे फाइव आ चुका है, देख सकते हैं। बाकी में नल है, तो हम क्या करते हैं बाकी में चेंजेस कर लेते हैं, खाली यहां पे एम्प्लॉई आईडी चेंज करते चलेंगे और यहां पे काम होता चलेगा। तो यहां पे वन कर देते हैं, वन में भी यही रखते हैं सेम, ठीक है। तो ये करके और यहां से इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें भी 5% हो गया। अब एक बार चेक करते हैं दूसरे वाले में हुआ कि नहीं 5%। तो यहां से इसको चलाएंगे तो देखिए दोनों में 5% हो गया है। लेकिन अब अगले वाले में हमको चेंजेस करने हैं। अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में हम यहां पे चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे आइए देखते हैं। देखिए जैसे यहां पर 5 है ना, तो यहां पर 10% कर देते हैं, तो ये 10 कर दिया। तो देखिए आप चलाएंगे तो फिर ये चेंजेस होंगे इसमें, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इतने को सेलेक्ट करते हैं और इस क्वेरी को चला देते हैं। तो ये क्वेरी चला दिया, तो यहां पर देख सकते हैं ये रन हो गया है और टीए यहां पे 10% हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमको पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा यहां पर देखिएगा एम्प्लॉई आईडी 1 है, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं 2 कर देता हूं, इस बार 2 कर दिया। ये चीज आपको ध्यान देनी है, हर बार इसको चेंज करते रहना, एम्प्लॉई आईडी का जो है इसको चेंज करेंगे। तो देखिए ये हो गया, अपडेट हो गया, अब हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि एक जगह और ये अपडेट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये देख सकते हैं, यहां पर 10, यहां पर 10 हो गया है। इस बार क्या करते हैं 15% कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं अब 15% करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर कर देता हूं 15, ठीक है। टीए मान लीजिए 5 या 3% कर देते, 3 कर दिया, ठीक है। और एम्प्लॉई आईडी 3 का करेंगे, किसका करेंगे, 3 का करेंगे, चेंज कर रहा हूं, देखिएगा इस बार 3 कर दिया, ठीक है। यहां से ये देखिए ये चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो फिर रिजल्ट क्या आया, तो फिर सेलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट दिख जाएगा। ये देखिए यहां से इसको पकड़िए और सेलेक्ट करिए और यहां पर रिजल्ट देखिए आप, तो यहां पर 3% हो गया टीए। अब जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये होता जाएगा, ठीक है। देखिए अब फिर चेंज करना हो तो फिर आप कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। यहां पर मान लीजिए 2% ही करना है तो 2% कर दिया। और 2% करने के बाद क्या करना है, यहां पर एम्प्लॉई आईडी चेंज करनी है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, एम्प्लॉई आईडी को चेंज करते रहना है, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया, ठीक है। और चेंज करने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके इसको चला दीजिए, यहां से काम हो गया। और जब हो गया तो फिर यहां से सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट जो स्टेटमेंट लिखा है इसको चलाइए। तो ये देखिए यहां पर 3, 2 हो गया, तो सब में अब ऐड हो चुका है। तो अब टीए भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10% सैलरी का 10% कितना हुआ, सैलरी का 3% कितना हुआ, 2% कितना हुआ। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बस वही तरीका है जैसे यहां पर हमने सैलरी पीएफ इन परसेंट किया था ना, तो यहां पे बस हमको टीए कर देना है, ठीक है। क्या करना है, टीए कर देना है। तो सिर्फ यहां पे टीए लिख दीजिए, सिंपली यहां पे लिखा टीए इस तरीके से, और टीए आपने लिख दिया, काम हो गया अब आपका, ठीक है। और इसका इसको नाम क्या देंगे, हम इसको नाम दे देते हैं टीए अमाउंट, क्या नाम देंगे, टीए अमाउंट। तो यहां लिखा टीए अंडरस्कोर AMOUNT, तो ये हो गया टीए अमाउंट। अब इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है यहां से और इसको यहां से चला देना है। तो चलाएंगे तो ये क्वेरी रन हो गई। तो देखिए पीएफ इन परसेंट के बाद टीए अमाउंट भी यहां पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हर एक चीज आ जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेरी लगानी है इसी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम चाहते हैं कुछ और भी इंप्लॉइज का नाम ऐड करने के लिए, तो ऊपर आपने इंसर्ट इनटू दिया ही है, आप देख सकते हैं। अब इंसर्ट इनटू में आपको चीजें बस ऐड करती जानी है, तो वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक समस्या है कि यहां पे इंसर्ट इनटू में एम्प्लॉई आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉई और सैलरी ही लिखी गई है, ठीक है।
यहां पीएफ इन परसेंटेज और टेल टीए नहीं लिखा गया है, तो ये आपको नीचे इंसर्ट इनटू लिखते समय ये ध्यान देना होगा कि ये सारी चीजें देनी होगी। फिलहाल तो मैं यहां से कॉपी करता हूं इसको और नीचे लाके पेस्ट करता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अभी इसमें क्या-क्या चीजें ऐड करनी है। तो सैलरी तक तो ठीक है, लेकिन पीएफ इन परसेंट भी यहां पे देना होगा। तो ये दीजिए पीएफ अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर परसेंट, तो पीएफ इन परसेंट हो जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो कॉमा लगाने के बाद यहां पर टीए भी देना है, तो ये टीए भी दे दिया, और टीए देने के बाद यहां पर अब चीजों को देना है लाइन से, ठीक है। जैसे यहां पे एम्प्लॉई आईडी तो चेंज ही करनी पड़ेगी, हमको सेम तो रहेगा नहीं, तो यहां पे 5 कर देते हैं, ये 5 कर दिया, और यहां पे सीमा नाम लिखा हुआ है, यहां पे कर देते हैं अंकुश, एक और नाम लिख देते हैं अंकुश, तो ये अंकुश लिख दिया, और यहां पे इनकी सैलरी सेम रखते हैं, ठीक है, सैलरी सेम रखी है, लेकिन और भी चीजें तो ऐड हुई हैं, पीएफ इन परसेंट ऐड हुआ है, तो पीएफ इन परसेंट में क्या करते हैं 15 कर देते हैं 15, और यहां पर क्या करते हैं टीए में कर देते हैं 2, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहां पर इसको जब हम चलाएंगे, ये देखिए ये यहां पे हम गए और इसको यहां से रन करवा दिया, तो रन करवाएंगे तो ये रन हो गया और एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया। अब हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता लगेगा हमको, तो इसके लिए वही कि सेलेक्ट को यहां से जाकर के इस तरीके से और यहां से रन करवा देंगे। तो देखिए यहां पर जो है एक और नाम अंकुश ऐड हो गया, ठीक है, लेकिन और भी नाम ऐड कराने हैं, तो हम सिर्फ अंकुश को ही नहीं रखेंगे, और भी नाम इसमें ऐड कराते चलेंगे। तो एम्प्लॉई आईडी 6 कर देते हैं, और यहां पे क्या करते हैं अंकिता एक और नाम लिखते हैं, यहां पे अंकिता, ठीक है, एक और नाम लिख दिया, तो ये हो गया। और सारी चीजें यहां पर खाली पीएफ ये चीज टीए जो है 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं, यहां पे 4, ठीक है। तो ये अलग-अलग करके मैं दिखा रहा हूं कि कैसे आप ये करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब ये रन हो गया, अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें अंकिता भी ऐड हो जाएगा, तो यहां पे देखिए नीचे अंकिता भी ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से और भी है, जैसे मान लीजिए यहां पे 7 कर देते हैं और यहां पे कर देते हैं प्रिंस, ठीक है, यहां पे नाम चेंज कर देते हैं PRINCE, ठीक है, तो ये हो गया PRINCE, तो ये हो गया प्रिंस, और यहां पे कर देंगे 16,000, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रखते हैं और यहां पर इसको चला देते हैं। तो ये चल गया, और चलने के बाद फिर अब हम वही चीज की इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए यहां पे प्रिंस भी नीचे ऐड होता हुआ नजर आएगा आपको, तो सारी चीजें ऐड होती चल रही हैं। यहां पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये सारी चीजें ऐड होती चल रही हैं, ठीक है ना। तो और भी नाम अगर आप ऐड कराना चाहें तो इसी में आप सारा करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर 8 कर देते हैं, तो 8 करने के बाद यहां पर अब एक और नाम कर देते हैं, जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं नाजिया, एक और नाम लिख दिया नाजिया, ठीक है, और यहां पे पीएफ चेंज करता हूं, यहां पे 5 कर देता हूं, और यहां पे जो है टीए 5 कर देता हूं और पीएफ 10 कर देता हूं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहां पर इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से चला दीजिए, तो देखिए यहां पे चेंजेस हो गए, और चेंजेस होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे नीचे आपको चेंजेस दिखाई भी पड़ेंगे कि क्या-क्या चेंजेस हुए, कितने-कितने रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना सीखेंगे, तो सॉर्ट कैसे करें, जी हां ये भी एक सवाल रहता है कि सर सॉर्ट कैसे किया जाए इसको, ठीक है। तो सॉर्ट करना भी बहुत आसान है, सॉर्ट करने के लिए आपको ऑर्डर बाय लगाना होता है, क्या लगाना होता है ऑर्डर बाय, ठीक है। तो आप ऑर्डर बाय लगा करके सॉर्ट कर सकते हैं। उससे भी पहले ये बता देता हूं कि अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सेलेक्ट का ही इस्तेमाल करना है। तो मैं यहां पे एवरेज एक छोटा सा कैलकुलेट करके इसमें आपको दिखा देता हूं, यहां पे सेलेक्ट लिखा और फिर यहां पर एबीजी लिखेंगे, इस तरीके से एबीजी लिखेगा, ये फार्मूला है इसमें, ठीक है, सॉरी फंक्शन है इसमें एबीजी, ठीक है। और एबीजी और फिर किसका एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये टोटल जितनी सैलरी दी गई है तो एवरेज कितनी सैलरी दी जा रही है वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एस ए एल ए आर वाई सैलरी का ही हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे एवरेज कैलकुलेट करना हूं, देखिएगा, ठीक है ना। और ये कहां से आएगा, तो यहां हम सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो कहां से करेंगे, तो यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम सैलरी टी, एस ए एल ए आर वाई सैलरी टी, ये कर दिया और यहां से टर्मिनेट किया। और टर्मिनेट करने के बाद हम देखते हैं कि एवरेज ये कैलकुलेट करके दे रहा है या नहीं, तो प्रोग्राम तो हमारा चल गया और यहां पे एवरेज भी आ रहा है कि सैलरी का एवरेज कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे इसने एवरेज भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने ऑर्डर बाय पर कि कैसे ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। आप इसमें ग्रुप बाय भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम ऑर्डर बाय करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा ऑर्डर बाय, उसी को देखना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऑर्डर बाय हम इसमें किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सीधा सेलेक्ट लिखना है, वापस से नीचे आते हैं, हम लिख ही लेते हैं, एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट लिखा,
और कौन से कॉलम को हमको सेलेक्ट करना है, तो हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय है ना, एक बार चेक करते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय है कि नहीं है। ऊपर देखिए यहां पर जब भी आपको मन करे कि इसमें क्या क्या फील्ड ऐड हो गए, जैसे बड़ा लंबा टाइम हो गया तो इसमें कई सारे फील्ड ऐड हो गए, तो यहां से सेलेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, यहां पे सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो यहां पे नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया गया, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे हमें करना है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे और यहां लिखेंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, नेम ऑफ एम्प्लॉय दे दिया। अच्छा, ये एम्प्लॉय जैसे ऊपर आ रहा है ना वैसे ही होना चाहिए, ये स्मॉल कैपिटल अगर हो जाएगा तो भी दिक्कत करेगा, तो यहां पर ये कर दीजिए। और ये करने के बाद क्या करना है आपको, असेंडिंग के लिए एएससी लिखना है और डिसेंडिंग के लिए डीईएससी लिखना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे तो सॉर्ट करना है, लेकिन कहां से सॉर्ट करना है, तो यहां पे लिखता हूं फ्रॉम टेबल। अब टेबल का नाम देंगे यहां पे, ठीक है ना, तो टेबल का नाम क्या है, सैलरी टी, एस ए एल ए आर वाई सैलरी टी कर दिया। ठीक है, और ये सैलरी टी जो है यहां पे हमने दे दिया, लेकिन यहां पे आप लिखेंगे ऑर्डर बाई, इस तरीके से लिखेंगे ऑर्डर फिर यहां बाई, और कॉलम का नेम लिखेंगे। तो कॉलम का नेम क्या है, कॉलम का नेम है नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहां पे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय कर दिया। और नेम ऑफ एम्प्लॉय करने के बाद क्या करेंगे, ये हो गया नेम ऑफ एम्प्लॉय, और यहां पे एएससी लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एएससी, क्योंकि हमको किसमें शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये एएससी लिख दिया और यहां पे टर्मिनेशन दे दिया। अब क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए, देखिए पहले कौन सा नाम आया था, राकेश आया था, फिर क्या आया था, रितेश आया था, फिर रीमा आया था, फिर सीमा आया था, और नीचे अंकुश वंकुश लिखा हुआ है, देखिए यहां पे दिख भी रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम रन कराएंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा देखिएगा, यहां पर सबसे पहले अंकिता आया, फिर अंकुश आया, फिर नाजिया आया, फिर यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके हमें दे रहा है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया कि नहीं, तो ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो क्या करेंगे, बस यहां पर आपको चेंज करना है, देखिए ये दिख रहा है, तो यहां पर एएससी के जगह डीईएससी कर दीजिए, डीईएससी, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करके दिखाता हूं, तो देखिए पहले सीमा आया, एस सबसे लास्ट में आया, आता है एस, एबीसीडी के जो काउंटिंग होती है तो एस लास्ट में आता है ना भाई, सीमा ही तो एस ही तो वो लास्ट कैरेक्टर है जो हमने इसमें दिया है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जेड से भी कोई नाम स्टार्ट हुआ है, हुआ हो, अगर हम इंसर्ट करा दे तो जेड वाला भी होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं नाइन कर देता हूं और यहां पर नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है, देखिएगा यहां पर नाम मैं एक और ऐड कर रहा हूं इसमें, जैसे जरीन कर देता हूं, जरीन, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है ना ये ऐड हो जाएगा, जरीन ऐड हो जाएगा, और फिर जब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे तो पहले जरीन नाम आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये तो हो गया ऐड, अब हम यहां पे वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके देखते हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला शॉर्टिंग है, और देखिए पहले जरीन नाम आया फिर सीमा आया, देख सकते हैं, तो असेंडिंग डिसेंडिंग और हर एक चीज मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, इसमें लाइक का भी यूज किया जाता है, लाइक, ठीक है, तो लाइक में हम कैसे लाइक को यूज करते हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, अब उसको भी दिखा देता हूं, देखिए सबसे पहले तो सेलेक्ट लिखिएगा, इस तरीके से सेलेक्ट लिख दिया, अब क्या करना है, कॉलम का नेम देना है। ठीक है, कॉलम का नेम क्या देंगे, तो कॉलम का नेम हम नेम ऑफ एम्प्लॉय ही कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, तो ये हो गया नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको ये नेम ऑफ एम्प्लॉय कहां से लेके आना है, तो फ्रॉम सैलरी टी, एस ए एल ए आर वाई सैलरी टी, यही हमारे टेबल का नाम है, तो सैलरी टी दे दिया। ठीक है, और सैलरी टी देने के बाद क्या करना है, यहां पर लिखना है वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, वेयर हो गया, और फिर वेयर देने के बाद क्या करेंगे, कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम तो यही है ना, नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यही उठा लेते हैं हम, इसी को कॉपी कर लेते हैं ये सब। अब देखिए इसमें कॉपी नहीं हो रहा है, एक मिनट चेक करते हैं फिर से, ये हुआ, ये हो गया, हो गया कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गया, और नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या मतलब लिखेंगे, लाइक, एल आई के ई, लाइक लिखा, और लाइक लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां पर हम दे देते हैं सिंगल डॉट कॉमा का भी यूज कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आर। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट दे देता हूँ। ठीक है, और फिर सिंगल डॉट कॉमा को क्लोज करके यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो अभी इसको चलाने की बारी है, देखते हैं क्या होता है, इसका परिणाम क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, ये हमको देखना है। तो यहां से इसको पकड़ेंगे और इसको चलाएंगे, तो ये चला दिया, तो आप देखेंगे कि आर वाले जितने नाम है इसमें शो हो रहे हैं, शो हो रहे हैं कि नहीं, तो ये लाइक का इस्तेमाल ऐसे आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो, हालांकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन पूरी वीडियो से आपका काम पूरा आसान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे आप एक्सेल में यूज करते हैं नाउ फॉर्मूला, तो क्या यहाँ पर कोई नाउ नाम का फॉर्मूला यूज हो सकता है जैसे एक्सेल में यूज होता है? बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर भी नाउ यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट लिखेंगे, और सेलेक्ट लिखने के बाद क्या करना है आपको, जैसे आप सेलेक्ट लिखते हैं
तो यहां पर अब आपको टाइप करना है एन ओ डब्ल्यू, ब्रैकेट ओपन करिए क्लोज करिए, बिल्कुल एक्सेल के ही जैसा। देखिए एक्सेल में भी सेम होता है, नाउ ऐसे ही लिखा जाता है। और यहां से मैं टर्मिनेशन देता हूं और टर्मिनेशन देकर के इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां पर इसको चलाऊंगा। तो देखिए अभी आज की आज का जो ईयर है करंट ईयर वो 2023 है, ठीक है, 12 तारीख है, सॉरी 3 तारीख है और 12वां महीना है। तो यहां पे सब कुछ आ रहा है और 10:24 और 18 सेकंड हुए हुए हैं, ये सारा कुछ यहां पे दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप दो डेट्स के बीच में जो डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेट डिफ, उसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। कैसे होगा वो, तो देखिए दोनों हो सकता है जैसे वहां पर करते हैं वैसे ही, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको करंट टाइम ही देखना हो, केवल करंट टाइम देखना हो, करंट डेट देखना हो, जैसे मान लीजिए करंट डेट देखना है तो क्या करेंगे, तो फिर वही चीज की यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट SELECT, इस तरीके से लिखेंगे सेलेक्ट और फिर यहाँ पे करंट डेट दे देंगे, क्या देंगे करंट डेट। तो ये एक एक तरह का फंक्शन है करंट डेट, ठीक है, CURRENT करंट लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे CUR, देखिए ये करंट डेट आ रहा है तो बस करंट डेट कर दीजिए, इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया काम। इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से चलाइएगा तो करंट डेट आपको शो करेगा। लेकिन इसकी जगह अगर आपको करंट टाइम देखना हो तो मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ सेलेक्ट SELECT और यहाँ पे करंट टाइम देखना हो तो यहाँ सी टाइप कीजिए खाली करंट टाइम, ठीक है, हमें करंट टाइम देखना है तो यहाँ करंट अंडरस्कोर टाइम करेंगे TIME, तो करंट टाइम ये बताएगा। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट किया और एक बार चलाते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए ये करंट टाइम बता रहा है 10:25, देख सकते हैं कि नहीं, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डिफरेंस ही देखना हो आपको तो यहाँ पे फिर वापस से लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, इस तरीके से जैसे डेट डिफ का आप यूज करते हैं ना एक्सेल के अंदर, आप डेट डिफ का यूज करते हैं, एक फॉर्मूला होता है डेट डिफ और ये काफी शानदार फॉर्मूला है। जब आपको दो डेट्स के बीच में डे काउंट करना हो, मंथ काउंट करना हो तो ये काउंट कर सकते हैं, ये मैंने बताया भी है एक बार आपको बताया है। तो यहाँ पे लिखिएगा डेट डिफ, डेट DIFF, तो ये हो गया डेट डिफ और इस तरीके से डेट डिफ लगा लीजिएगा। और क्या करना है आपको, डेट डिफ लगा करके एंटर करिएगा, नीचे आइएगा और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये है 2023 चल रहा है, मैं यहाँ 2023 कर देता हूँ, ठीक है, और अभी की बात है कि ये दिसंबर आ गया है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे कर देते हैं, एक नहीं करते बल्कि यहाँ पे 11 कर देते हैं, 11 और यहाँ पे डेट कर देते हैं 30 तारीख कर देते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है सिंगल टेड कॉमा के अंतर्गत रहेगा, ये जो है ना लिखेंगे तो सिंगल या डबल टेड कॉमा लगा लीजिए या तो सिंगल टेड कॉमा लगा लीजिए, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करके आपको क्या करना है, जैसे ये लिखेंगे तो फिर कॉमा दीजिएगा, दूसरा डेट दीजिए, ठीक है, जैसे 2023 ही करते हैं, ठीक है, और 2023 करके फिर यहाँ डैश देंगे और डैश दे करके फिर यहाँ 12 करेंगे और आज की जो करंट डेट है जैसे आज 3 तारीख है तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है, और सिंगल टेड कॉमा को क्लोज करते हैं और क्लोज करके इस ब्रैकेट को भी कर देते हैं क्लोज, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एज डे कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हम दिनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो एज डे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसे चलाएंगे और जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें 3 दिनों का अंतर है। देखिए ये करंट डेट क्या है, 30 तारीख है, तो 30 के बाद क्या आता है भाई, नवंबर तो 30 का महीना होता है, तो 1, 2 और 3, तो आज 3 तारीख है, तो 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच का डिफरेंस तो 3 ही है ना, आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। पूरी वीडियो काफी मजेदार है और इससे आपका पूरा लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा MySQL का, ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिकल सेक्टिकल होता है सब आप इसमें करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।